स्टार्टिंग द नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 चल रही है. काफी इजी सवाल है बट दोस्तों भाइयों काफी इंपॉर्टेंट सम है. काफी आसान तरीके से, सबसे आसान तरीके का मैं यहां पर यूज करूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए. देखिए मेरे पास फंक्शन है fx और मॉडुलस में है ये x माइनस वन और x आपका बिलोंग करता है रियल नंबर से. मुझे बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है x इक्वल टू वन में. डिफरेंशिएबल कोई भी होगा या नहीं होगा उसके लिए दो चीजें होनी चाहिए कि जो आपकी राइट हैंड डेरिवेटिव है वो बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के. अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव के तो डेफिनेटली आपका जो ये सम है वहां पर कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा. तो चलिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव का पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए. वो क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. ठीक है, लेफ्ट हैंड का भी लिख लीजिए लगे हाथ तो आपके पास हो जाएगा लिमिट s tends to 0 और यहाँ पर आपके पास आता है fx पहले आता है थोड़ा सा यहाँ पे केयर करना और माइनस fx माइनस h अपॉन में h. अगर ये दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए तो हमेशा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल रहेगा. ब्रदर जो मेथड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सबसे बेस्ट मेथड है, अब बिल्कुल ठोका बजाया मेथड है. हर सवाल को जिसमें भी आपको इस तरह से पंगा आ जाए वहां पे काफी इजिली सोल्व कर देता है. और भी मेथड है लेकिन वो पंगे करेंगे. तो आप इस तरह से करिए कि x इक्वल टू वन है ना, आप ब्रदर ये लो x के प्लेस में वन रख लो. मैंने x के प्लेस में वन रख दिया, ये लीजिए सर यहाँ पे लीजिए सर मैंने x के प्लेस में वन रख दिया, ये लीजिए खुश, कोई दिक्कत नहीं. मैंने x के प्लेस में क्या रखा है भाइयों, वन रख दिया. अब मुझे ये फंक्शन कहां पर रखना है, ये जो वन प्लस एच है यहां पर रखना है इस x के प्लेस में. ध्यान रखना इस x के प्लेस में मुझे क्या रखना है, वन प्लस एच. चलिए मैं रखना चालू कर रहा हूं लिमिट s टेंस टू जीरो और मैंने f वन प्लस एच का मतलब है इस x के प्लेस में. लीजिए मैंने यहां पर रख लिया वन प्लस एच और इसके बाहर माइनस वन भी रहता था और मॉडुलस वैल्यू. ठीक है, फिर उसके बाहर हमारे पास यहां पर है अपोन माइनस, अब मैंने इसके प्लेस में वन रख दिया तो मेरे पास है वन माइनस वन और अपोन में एच. इस बात को आप समझे, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, वन प्लस एच को भाइयों एक्स पे रखना है. ठीक है, और फिर इस वन को भाइयों कहां पे रखना है, एक्स पे रखना है. यानी इन दोनों फंक्शन को यहां एक्स की जगह रखना है और बीच में कौन सा निशान है, माइनस का है. तो चलिए जब अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो इस वन से तो ये वन कैंसिल हो जाना है. ठीक है, यहां पर क्या बचा है आपके पास, लिमिट एस टेंस टू जीरो और यहां पर बचा है मॉडुलस एच और माइनस वन में से वन गया मॉडुलस जीरो दैट इज एच. तो अगर आप यहां पर इसको सोल्व करते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो तो आपके पास क्या आएगा, एच अपोन में एच और अगर आप एच को एच से कैंसिल कर देते वन दैट इज आपके पास वन आ जाता है. अगर आप यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को देखते हैं तो आपके पास वन को आपने पुट करना है यहां पर तो आपके पास क्या हो गया है लिमिट एस टेंस टू जीरो और यहां पर आप वन रखेंगे तो वन माइनस वन वन माइनस वन और फिर उसके बाद आप रखेंगे अब वन माइनस एच को वहां पर रखना है आपने यहां पर वन माइनस एच को तो आपके पास क्या आ गया वन माइनस एच और यहां पर बाहर क्या आपके पास माइनस वन और ये ब्रेकिट आपका क्लोज अपोन में एच. समझ में आ रहा है, इस साइड कौन सी चली थी, ये जो ये वाली साइड है ना. चलिए मैं यहाँ पे इक्वल टू वो लगा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहे. लीजिए मैंने इस तरीके से यहां पर एक साइन लगा. ठीक है, अब देखिए आप यहां पर आ गए हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो वन ओवर से वन गया जीरो और माइनस यहां पर आप इसे ओपन करेंगे तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा माइनस एच आपके पास बचा है अपोन एच. तो लिमिट एस टेंस टू जीरो और यहां पर आपके पास कितना ऑप्शन हो गया, ये माइनस का है आपके पास और बाहर ये जब बाहर निकलेगा पॉजिटिव ही निकलेगा क्योंकि मॉडुलस लगा है ना तो और ये माइनस बाहर वाली है. ठीक है, अपोन में एच जब आप इसे कट करेंगे तो आपके पास ये कितना आएगा माइनस वन इक्वल टू माइनस वन. माइनस वन आ रही हमारी कौन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना आ रहा है वन. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, वो उसके इक्वल नहीं है, हैज दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन. आई होप समझाने का ये तरीका, ये बताने का आसान वाला जो रूल है आपको बहुत अच्छा लगा होगा. अगर ऐसा कुछ है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल. थैंक यू.